गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टुडे इज माई टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिंपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन, अ प्लांट सेल, एनिमल सेल, राइट, एन एनिमल सेल, वॉट एवर द सेल, ऑल सेल कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स, राइट, एंड ऑल दैट कंपाउंड्स दे आर प्रेजेंट इन देयर सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि जो भी कंपाउंड है उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है, मेजोरिटी, राइट, जस्ट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 4.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर ब्लड होता है। सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट हार्मोन, सो देयर कॉन्सेंट्रेशन मे बी नैनोग्राम्स पर एमएल। सो एक्चुअली रिमेंबर दैट ऑल दिस बायोमोलिक्यूल्स हैव टर्नओवर, दैट मीन्स दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल, जस्ट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट ए मॉलिक्यूल, so that A is converted into B and B is converted into C. So biomolecules have turnover, that means they are constantly being changed into some other biomolecule. तो जैसे यहाँ पे A convert हुआ B में और B convert हुआ C में, and they also made from some other biomolecule. तो जैसे बात करें तो डी बनता है ए में से, राइट, तो आप देख सकते हो कि भाई चलो पहले ए क्या था, वो रिएक्टेंट था, मतलब कि उसमें रिएक्शन हुआ, और ए में से क्या बना, उसकी प्रोडक्ट मिली बी, राइट, या फिर बी रिएक्टेंट बोले तो उसकी प्रोडक्ट हो गई सी, राइट, या फिर हम बोले कि भाई ए को कौन फॉर्म करता है, तो ए इज फॉर्म्ड बाय डी, राइट, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बायोमोलिक्यूल हैव टर्नओवर, दैट मींस दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल, जैसे ए फॉर्म हो रहा है बी में, एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल, जैसे ए बन रहा है किस में से, डी में से, राइट, ओके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज through chemical reaction constantly occurring in living organism, मतलब कि कुछ बन भी रहा है, कुछ टूट भी रहा है, जैसे यहां पे A form हो रहा है तो उसका making हो गया, अब A में से B बन रहा है तो ये उसका breaking हो गया, right? तो constantly ये जो cell है उसमें making भी हो रहा है and breaking भी हो रहा है, but all this making and breaking it occurs through chemical reaction. So together all these chemical reaction are known as a metabolism. So just remember what is metabolism. So all chemical reaction, the sum total of all chemical reaction, जो भी reaction हो रहे है उसको बोलते हैं metabolism. Clear? Okay. So all chemical reaction occurring inside body of organism, it constitute metabolism, right? तो body के अंदर जो भी chemical reactions हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, metabolism. और chemical reaction मतलब क्या हो रहा है उसमें, या फिर breaking हो रहा है या फिर making हो रहा है, जैसे मैंने simply समझा दिया कि अगर A form हो रहा है D में से तो ये हो गया उसका making, और A में से B बन रहा है तो ये हो गया उसका breaking, राइट, तो ये जो सारी chemical reactions है उसको हम क्या बोलते हैं, metabolism. Clear up to here? So remember what is metabolism? All chemical reactions, they are collectively known as a, bolo, metabolism, right? Okay, now we know that each metabolic reaction results in the transformation of biomolecule. मतलब कि जो भी biomolecule है वो reaction होता है तो वो change होता है, right? अब जब transformation हो रहा है
तो दैट मे बी एनी काइंड, मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी तरफ से हो रहा है, कि जैसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, किसी का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या फिर रिमूवल ऑफ कोई ग्रुप हो सकता है, या फिर एडिशन ऑफ कोई ग्रुप भी हो सकता है, राइट? अब जैसे मैं बात करूं तो जैसे डाइसेकेराइड है, राइट? तो वी नो दैट के डाइसेकेराइड इसमें कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट? अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़े हम तो क्या रिलीज होगा, दो मोनोसेकेराइड, राइट? तो यहां पे क्या हो गया, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, दैट डाइसेकेराइड इज कन्वर्टेड इनटू मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड किसमें कन्वर्ट होता है, मोनोसेकेराइड, राइट? ओके, सेकंड एक एग्जांपल मैं बोल रही हूं कि जैसे हमने देखा है कि भाई नाइट्रोजन बेस प्यूरीन एंड पिरिमिडिन, ठीक है? तो हम किसी की भी बात कर ले, प्यूरीन की या फिर पिरिमिडिन की, कि जैसे चलो यहां पे सिक्स नंबर पे अगर एमिनो ग्रुप है, अगर एमिनो ग्रुप है तो अगर ये एमिनो ग्रुप रिमूव हो गया तो वो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट? अगर हम बात करें पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर में पता है कि जैसे यहां पे डबल बॉन्ड ओ है सेकंड एंड सिक्स पे, पर अगर यही स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर किसका है, हमको पता है यूरेसिल। बट अगर मैं यही स्ट्रक्चर में अगर मैं CH3 ऐड कर रही हूं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट? अगर CH3 नहीं है तो यूरेसिल, और अगर CH3 ऐड करो तो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, थाइमिन, राइट? तो आप देख सकते हो कि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी टाइप के होते हैं, ब्रेकिंग हो सकता है, कोई रिमूवल ऑफ ग्रुप हो सकता है, या फिर एडिशन ऑफ ग्रुप भी हो सकता है। समझ में आया, इज इट क्लियर? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ सेम वे आपकी एक बुक में एग्जाम्पल दिया है कि भाई रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एमिनो एसिड, अगर एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूं एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जो आपको बाय हार्ट आता है, राइट? तो COOH, मतलब कि जो एमिनो एसिड है, अगर उसके स्ट्रक्चर में से हम क्या करें, CO2 को रिमूव करें, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा एच हो गया, राइट? तो बन जाएगा क्या, एमाइन, क्लियर? तो एमिनो एसिड उसमें से CO2 रिलीज हो गया तो क्या बन जाएगा, एमाइन। इज इट क्लियर? सो दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस मे बी ऑफ एनी टाइप, जिसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, मैंने एग्जांपल दे दिया, रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप होता है, या फिर एडिशन ऑफ ग्रुप होता है, मैंने सिंपली आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर? ओके, सो रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस आर लिंक्ड इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस एंड दे आर नोन एज अ मेटाबॉलिक पाथवे, राइट? यहां पे बहुत सारे रिएक्शन की सीरीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ा एक हिंट दे देती हूं कि ये मेटाबॉलिक पाथवेज क्या है। अच्छा, मैं ये समझाने जा रही हूं, ये अपने सिलेबस में आगे आएगा, बट फिलहाल मैं आपको मेन थोड़ा हाईलाइट दे रही हूं, ठीक है? तो जैसे हमको पता है कि भाई जो ग्लूकोज है, समझना है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी नो दैट कि प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट? बट उसका ब्रेक डाउन होता है और हम क्या यूज करते हैं, ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फेट क्या है, तो ग्लूकोज अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट? जिसको हम बोलते हैं, आपको पता होगा, एरोबिक ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको, एरोबिक ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज दूसरा भी ऑप्शन है कि भाई अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है
देखो इन द प्रेजेंस ऑफ ओटो उसका जो ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। बट अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है देन इट इज नोन एज अ एनएरोबिक ऑक्सीडेशन और इससे को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट, या फिर उसी को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो ध्यान रखना जो भी ग्लूकोज है हमें जो फूड में मिला उसका फेट दो ऑप्शन है। अगर ऑक्सीजन है तो उसका एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अच्छा, अब जो चीजें बोलने जा रही हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है, ध्यान रखना, फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ग्लूकोज, राइट, प्लांट सनलाइट में प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया, ये फूड को ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स ने यूज किया, मतलब कि जो ग्लूकोज है उसका अपने पास दो ऑप्शन है। अगर ऑक्सीजन मिला तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है देन वी कॉल इट इज अ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अब नॉर्मली बोलते होंगे ना कि भाई वन ग्लूकोज उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें मिलते हैं 38 एटीपी, सही है ना। तो वो कैसे मिलता है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूं। तो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो हमारे पास है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एक साइक मतलब कि रिएक्शन में पास होता है और वो जो रिएक्शन की सीरीज है ऐसे एक में से दूसरा बना, दूसरे में से तीसरा बना, तीसरे में से चौथा, और ये एंजाइम के थ्रू कैरी होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बोल देती हूँ 10 स्टेप का ये रिएक्शन होता है, राइट। और ये जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज उसमें से बनता है पाइरूविक एसिड। क्या बनता है उसमें से? पाइरूविक एसिड, राइट। स्टूडेंट देखो मैं आपको कुछ भी डायरेक्टली नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लूंगी और मैं जो चैप्टर लूंगी वो आपको परफेक्टली कंप्लीट करवाऊंगी, राइट। तो जैसे यहां पे वर्ड्स आया रिएक्शन, तो मैं उसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूं कि एग्जैक्टली ये रिएक्शन क्यों है, क्योंकि अभी दो थियरी में एक ग्लाइकोलिसिस आ रहा है, तो ये आपके फंडा क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। और सभी आपके फ्रेंड्स को बोल दो कि भाई डिवाइन स्टार्ट हो चुका है तो जिसका एडमिशन लेना बाकी है कंफर्म करवा ले, ठीक है, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस जो है पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज में से क्या बनता है? पाइरूविक एसिड, क्लियर। अब ये जो पाइरूवेट हमें क्या मिला? अभी पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, सो नेक्स्ट स्टेप इज पाइरूवेट ऑक्सीडेशन। अब ये जो पाइरूवेट ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो रहा है साइक्लिक फॉर्म के थ्रू, पूरे साइकिल में रिएक्शंस होते हैं, राइट, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, बहुत अलग अलग सब्सट्रेट बनते हैं और पूरा रिएक्शन होता है बट साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो ये जो पाइरूवेट ऑक्सीडेशन होता है जो स्टेप्स में होता है, ये जो साइकिल है उसको बोलते हैं टीसीए साइकिल, राइट, या फिर इसी को बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? साइट्रिक एसिड साइकिल, या फिर इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, राइट, इसको CAC बोलते हैं। एक्चुअली मैं बोलूं तो आपको मैं पूरी हिंट दे रही हूं, आपका चैप्टर नंबर 14 में ये जो समरी सिखा रही हूं ना, ये आपका चैप्टर नंबर 14 पूरा है, डिटेल में पढ़ना है। तो मैं आपको यहां पे कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूं कि भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है हमें पता है बाय टू वेज। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करने जाए तो फर्स्ट स्टेप है क्या? ग्लाइकोलिसिस, राइट। सो एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस वी आर हैविंग पाइरूवेट। नाउ दैट पाइरूवेट एंटर टू अ साइकिल दैट इज नोन एज अ टीसीए साइकिल,
और सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, राइट। और यहीं पे थर्ड स्टेप है जिसको बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीसी या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन। क्या बोलते हैं उसको? रेस्पिरेटरी चेन, राइट। तो जब ये तीन स्टेप, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बाय दिस थ्री स्टेप, एंड ड्यू टू दिस थ्री स्टेप दैट कंप्लीट ऑक्सीडेशन अकर एंड विच फॉर्म 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और यू कैन से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। समझ में आया? ठीक है, तो ये यहां पे इतना याद रखना है कि भाई जब भी ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होए तो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपको बोल दिया उतने उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स, और 10 स्टेप्स के बाद हमको क्या मिलता है? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कौन से साइकिल के थ्रू? TCA, या फिर इसी को बोलते हैं साइट्रिक एसिड, या फिर फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट इट इज नोन एज अ क्रेब्स साइकिल। ये तीनों नाम क्यों है वो पूरा डिटेल में आएगा, राइट। कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तीन तीन है, इसलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जो फर्स्ट एसिड मिलता है वो साइट्रिक एसिड है, इसीलिए उसको साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और जो हांस क्रेब्स साइंटिस्ट था उसके नेम से उसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, राइट। तो ये हो गई सेकंड स्टेप की बात, और थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में से पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी चेन बनती है, राइट। इसीलिए उसको बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन, या फिर इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डोंट वरी, आपको समझना है, इसमें से कुछ याद नहीं रखना है, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, राइट। वो मैं बाद में आपको समझाऊंगी वापस। फिलहाल तो ये समझो मेरा मेन एम क्या है कि भाई ग्लाइकोलिसिस होता है तो मैंने समझा दिया कि उसमें 10 स्टेप्स होते हैं। फिर ये बोला है कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है दे आर इंटरकनेक्टेड, तो ये इंटरकनेक्शन में समझा रही हूं कि भाई ग्लूकोज है तो उसका कनेक्शन है किसके साथ? टीसीए साइकिल। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म होगा, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बनेगा वो पाइरुवेट जाएगा टीसीए साइकिल में। हो गया ना ये कनेक्शन? किसका कनेक्शन हुआ? ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। किसका कनेक्शन हुआ? ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में क्या मिला? ग्लूकोज में से पाइरुवेट, तो ये पाइरुवेट कहां पे गया? टीसीए साइकिल। तो आप देख सकते हो कि ये कनेक्शन हुआ। अब टीसीए साइकिल में आपको आगे सिखाऊंगी कि भाई जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं FADH2 एंड NADH2, इनका ऑक्सीडेशन होता है कौन से स्टेप के थ्रू? ETS। समझ में आया कनेक्शन? ग्लाइकोलिसिस का कनेक्शन पाइरुवेट के साथ और पाइरुवेट का कनेक्शन ETS के साथ। तो समझ में आया ना ये स्टेप्स कैसे है? इंटरकनेक्टेड, क्लियर। और जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है? 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक सरप्राइज बात बोलू, आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक, बट ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन। मतलब कि ये बंदा बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। समझ में आया? तो ग्लाइकोलिसिस इट इज अ कॉमन स्टेप इन एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब आप समझ सकते हो कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? पाइरुविक एसिड। समझ में आया? इसलिए देखो मैंने यहां पे लिखा है पाइरुविक ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मेन ऑक्सीजन यहां से चाहिए। चलो क्लियर, अब मेन चीज बोल रही हूं। अब जो पाइरुवेट
पाइरुवेट बोलो या पाइरुविक एसिड बोलो, सेम थिंग है. हाँ, पाइरुवेट बोलो या पाइरुविक एसिड बोलो. अब ये जो पाइरुवेट है, अब तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ना, तो उसके दो ऑप्शन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना खास, कि अगर हम बात करें ह्यूमन मसल, तो जब पाइरुवेट का ह्यूमन मसल में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या मिलती है प्रोडक्ट पता है? लैक्टिक एसिड. और जो यीस्ट है, अगर उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होए, तो यहां पे मिलता है अल्कोहल, राइट, एंड CO2. समझ में आया कुछ कुछ? ओके, समझने जाए तो वैसे इजी है, खाली समझना है, याद नहीं रखना है आपको, ऑटोमेटिक अपने आप ये चीजें आ जाएगी. तो एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके तीन स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड ETS. ऑल दिस रिएक्शंस आर इंटरकनेक्टेड. एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ग्लाइकोलिसिस में उसके एंड में मिलता है पाइरुवेट, बट पाइरुवेट का जो फेट है, फ्यूचर है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके दो ऑप्शन है, अदर आइदर इन मसल्स इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, और इन यीस्ट इट फॉर्म्स अल्कोहल. यहां पे उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, फर्मेंटेशन. अब अगर आपको याद है कि फर्मेंटेशन, फर्मेंटर फूड, डोसा, इडली, राइट, उसमें क्या प्रोड्यूस होता पता है ना? CO2. और क्या यूज होता है? यीस्ट. अब समझ में आया? जो वाइन, विस्की, बियर, रम, राइट, उसमें यीस्ट का यूज होता है, और क्या बनता है? अल्कोहल. तो दैट फोर्सेस ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज अ फर्मेंटेशन. अल्कोहल जो फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. क्लियर? और जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो ना, तो एनर्जी मिलती है कितनी पता है? हार्डली 2 ATP. कितनी एनर्जी मिलती है? हार्डली 2 ATP. क्लियर? ओके. तो देखो, मुझे सिर्फ इतना आपको समझाना था कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इंटरकनेक्टेड है, और कुछ स्टेप्स में, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होता है, राइट, एक में से दूसरा सब्सट्रेट, दूसरे में तीसरा फॉर्म होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में. तो ये हो गई जस्ट समरी. फिर से एक बार, ग्लूकोज, उसका जो फ्यूचर है, दो ऑप्शन है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन. कोई भी पाथवे है, फर्स्ट स्टेप कॉमन, ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज में से क्या बनता है? पाइरुविक एसिड. मैंने आपको हिंट दे दी, ये 10 स्टेप के रिएक्शन से अलग अलग. पाइरुवेट आगे वो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो साइकिल से होता है, साइक्लिक फॉर्म में ये है, ये लीनियर फॉर्म है, स्ट्रेट है ना, उसको लीनियर बोलते हैं. ये कौन सा वे है? साइक्लिक वे. इसको बोलते हैं TCA साइकिल, और साइट्रिक एसिड साइकिल, और क्रेब्स साइकिल. और यहां पे जो प्रोडक्ट मिली NADH2 FADH2, ये एंटर होते हैं, या फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है, थर्ड स्टेप ETS और ETC, और उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन, या उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. So by this 3-step complete oxidation of glucose occurs and it releases 36 molecule of ATP. इतना सारा मैंने समझाया, बस आप तीन वर्ड समझ लो, ग्लाइकोलिसिस,
TCN, ETS, बस इतना एम है मेरा कि ये इंटरकनेक्टेड है. अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ग्लाइकोलिसिस, उसमें से बनता है पाइरुवेट. अब ये जो पाइरुवेट है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो दो स्टेप में है कि आइदर व्हेन इट अकर्स इन मसल्स तो इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, दैट इज नोन एज अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अच्छा एक चीज और बोल दो एक्स्ट्रा में कि जब भी हम एक्सरसाइज बहुत करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करते तो हमको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जब विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और जब बहुत सारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वो सेल फुलफिल नहीं कर पाता. तो ये कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में थोड़े टाइम के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और इसीलिए हम थकान थकान महसूस करते हैं. हम फटने बोलते हैं हमारी हम थक गए, तो एक्चुअली हम नहीं थके हैं, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ इसीलिए हमें थकान लगती है. और जब यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होए, राइट, तो क्या रिलीज होता है, अल्कोहल एंड CO2, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. यहां से एक नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अल्कोहल होता है तब भी CO2 होता है, ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तो तब CO2 फॉर्म नहीं होता है. ये मैंने आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज सिखा दी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट थ्योरी चला रही हूं उसमें भी एक ग्लाइकोलिसिस वर्ड आएगा, ठीक है. तो प्लीज इसका फंडा समझ लेना, या फिर दो बार वीडियो देखना और फिर भी समझ में नहीं आया तो कॉल करना, बट ये एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्लियर? ओके, चलो. तो अब समझ में आया कि भाई मोस्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस आर लिंक्ड इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज. तो देखो मैंने एक ये वर्ड मेटाबॉलिक पाथवे, इसके लिए आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया, ठीक है. बट अब समझ में आ गया ना कि भाई ग्लूकोज, समझ में आया ना कि ग्लूकोज तो उससे बनेगा पाइरुविक एसिड, वो एंटर होगा क्रेब्स साइकिल, फिर कहां कौन सा साइकिल आएगा, ETS. तो ये इंटरकनेक्टेड, मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. क्लियर? ओके. नाउ ऐसा बोलते हैं कि दिस पाथवे दे आर लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक बिकॉज दे आर ऑल्सो लिंक्ड इन क्रिसक्रॉस ईच अदर, राइट, दैट इज दे आर लाइक ट्रैफिक जंक्शन. ओके, सो दे आर ऑल्सो लिंक टू ईच अदर एंड दे हैव डेफिनेट रेट एंड डिरेक्शन. तो जैसे हमारा देखो ये मेन हाईवे है, तो जैसे ये कोई रोड यहां पे मैच होता है, कोई रोड यहां पे आएगा, कोई रोड ऐसे आएगा, तो ये क्या है, ट्रैफिक जंक्शन कैसा हो जाएगा कि भाई चलो ये रोड ऐसे यहां से यहां गया, दूसरा ऐसे गया, राइट. तो ये पाथवे भी ऐसे है लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, ये यहां से गया, ये यहां से गया, यहां से गया, तो वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट, इंटरलिंक्ड होते हैं, एंड दे क्रिस क्रॉस ईच अदर, मतलब इसका सब्सटेंस यहां पे जाएगा, इसका यहां पे जाएगा, राइट. जैसे हमने देखा कि बिग ग्लाइकोलिसिस का जो मिला वो कहां पे गया, क्रेब्स साइकिल में, वहां पे जो मिला कहां पे गया, ETS में गया, राइट. ओके, सो दैट मींस दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है, एंड दे हैव डेफिनेट रेट एंड रिएक्शन. हर एक का जो फंक्शन होता है उस पर भी स्पेसिफिक रेट में होता है, स्पेसिफिक टाइम में होता है, राइट. जैसे ग्लूकोज में से फॉर्म होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो वो डेफिनेट रेट जो होता है उसको मोस्टली मेजरमेंट किया जाता है डेल्टा जी. अच्छा ये डिटेलिंग आपकी बुक में नहीं है, बट जस्ट एंड फॉर बोल रही इन्फॉर्मेशन कि भाई जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी. अच्छा फ्री एनर्जी क्या है, द एनर्जी विच कैन डू वर्क, ठीक है. ओके, तो ये समझ में आ गया कि लिंक्ड है, क्रिस क्रॉस भी है. जैसे ग्लूकोज में से बना पाइरुवेट, तो पाइरुवेट ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल भी जा सकता है, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो अल्कोहल फॉर्म भी करेगा, तो होगा क्रिस क्रॉस, राइट. ओके, नाउ ये बात तो हमारी क्लियर हो गई एकदम परफेक्ट, ग्लूकोज में से पाइरुवेट, अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया.
So now metabolism. Metabolism they can be cyclic or can be linear. मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि जो TCA है वो कौन से फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म, सही है ना. और लीनियर, लीनियर किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म पता है ना किसका, TCA. और लीनियर कौन, अब बीच मैंने बोला ग्लाइकोलिसिस और ईटी स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको लीनियर बोलते हैं, और साइकिल फॉर्म में है तो उसको साइक्लिक बोलते हैं, राइट. ओके, सो नाउ दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज डायनेमिक स्टेट, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम नहीं है. जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ए में से बी बनेगा तो हर एक समय बनेगा, ऐसा नहीं है, राइट. ए में से बी बन सकता है, बी में से सी, मतलब कोई ना कोई रिएक्शन ऐसे होती रहती है, वो इक्विलिब्रियम नहीं होता है, राइट. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो भी मेटाबॉलिक फ्लो है वो है डायनेमिक स्टेट, मतलब नॉट इन इक्विलिब्रियम, राइट. जैसे जैसे सेल की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो फंक्शन करेगा, वैसे वैसे वो रिएक्शन होगा, राइट. ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, तो दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, ठीक है. एंड ईच केमिकल रिएक्शन इन अ चेन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, राइट. अच्छा, जैसे अभी मैं बोलू कि भाई ग्लूकोज, राइट. अच्छा, ये ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है ना, ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है. ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है तो ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है. बट एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना, इट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज, राइट. सो एवरी केमिकल रिएक्शन इन अ चेन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, राइट. मतलब कि किसी कैटलाइज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. अब जैसे ये सेल की बात करें तो ये जो कैटलिस्ट है उसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, और जो बायो कैटलिस्ट है उसी को हम बोलते हैं एंजाइम्स, राइट. तो ध्यान रखना कि भाई कैटालिस्ट क्या है, तो कैटालिस्ट दे आर प्रोटीन, राइट. कैटालिस्ट क्या है, प्रोटीन, एंड जनरली जिसको हम बोलते हैं एंजाइम, या फिर हमने बोला कि बायोलॉजिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं बायो कैटालिस्ट, राइट. सो जैसे एक एग्जांपल दिया है कि भाई जब भी CO2 वाटर में डिजोल्व होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, बट इवन इट इज कैटालाइज रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम. तो ये सिस्टम जब CO2 H2 में डिसॉल्व होता है और ये रिएक्शन जब बॉडी के अंदर होता है, लिविंग सिस्टम में होता है, देन दैट रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, राइट. दैट मींस इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. तो जैसे अपनी बॉडी में लंग्स के थ्रू O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ब्लड में जब भी ये CO2 H2 के साथ यूनाइट होता है और फॉर्म होता है H2CO3, तो ये जो रिएक्शन है वो कैरीड आउट होता है बाय एंजाइम दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेज. क्लियर अप टू हियर, ठीक है. तो एकदम इजी है, समझना है, इसमें से क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, बट मैंने आपको अच्छे से ही एक्सप्लेन कर दिया है एकदम परफेक्टली कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, पाथवेज क्या है, कैटालिस्ट क्या है, राइट. और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस क्रैब्स साइकिल का एकदम परफेक्टली नॉलेज दे दिया है, ठीक है. और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करना भूलना नहीं, प्लीज. थैंक यू.